ਸੰਗ ਚਲੋ ਰੇ ਮੋਰ ਸੰਗ ਚਲੋ ਜੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਮੋਰ ਸੰਗ ਚਲੋ ਗਾ ਮੋਰ ਸੰਗ ਚਲੋ
सस जुड़ छाव मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो अमरैया कस जुड़ छाव मैं मोर संग बैठ जुड़ा लो पानी पी लो मैं सागर यों दुख पीरा बिसरा लो पानी पी लो मैं सागर यों दुख पीरा बिसरा लो नवा जोत लो नवा गाँव बन नवा जोत लो नवा गाँव बर रस्ता नवा गढ़ौरे मोर संग चलो जी मोर संग चलो गा गिरे थके हफ्ते मन औ परे डरे मन थे मन मोर संग चलो रे मोर संग चलो मोर संग जल्दी 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 आओ मोर चलो चलो लाइन पे लगाओ लहरियो मोर लहर माँ फरो पुलो हरियावो मैं लहरियो मोर लहर माँ फरो पुलो हरियावो माँ नदी में यार पापेरी तन मन धूप हरियालो महानदी में यार पापेरी तन मन धूप हरियालो कहाँ जाऊँ बड़ दूर है गंगा बड़ दूर है गंगा पापी है तरोरे मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे मोर संग चलो गा मोर संग चलो जी मोर संग चलो रे ओ गिरे थके हफ्ते मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलो गा मोर संग चलो रे संग जूझे बर भाई मैं बाना बांधे हो विपत संग जूझे बर भाई मैं बाना बांधे हो सरग लबिन की माला दे हूँ संठाले सरग लबिन की माला दे हूँ प्रणय संठाने हो सुमत के सरग निसेनी के सरग निसेनी चुरमी सब चढ़ो रे संग चलो रे संग चलो रे संग चलो रे संग चलो रे गिरे थके हफ्ते मन औ परे डरे मन के मन मोर संग चलो गा गांधी जयंती के दिन हमारी नौ प्रतिमा में उस तहसील से रिकॉर्ड में लेकिन वास्तव में वहाँ उस तहसील संचालित संचालित किया गया उसको पूर्ण तहसील के दर्जा उसके आसपास 40 किलोमीटर में कोई कॉलेज नहीं उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर जो है कॉलेज खोला जाए और एक गांधीवादी विचारधारा को लेकर के गांधी जी ने इसी सत्याग्रह के बदौलत देश को आजाद कराया Thank you.
क्षेत्र की 9 मांग है। बहुत सारी मांग तो ऐसी है जो सरकार घोषणा करती है लेकिन उसको पूरा नहीं करा। जैसे वहाँ उप तहसील सरकार के कार्य में उप तहसील है लेकिन वहाँ कोई बैठता नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, ना स्टाफ नहीं है। सड़क पिछले 2 बजट में सम्मिलित है लेकिन वो केवल बजट तक सीमित है, सड़क बन नहीं रहा है। और उस क्षेत्र में 40 किलोमीटर में उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं है, तो वहाँ कॉलेज खुल जाए करके। आज जांजगीर चांपा जिला 85% सरकारी रिकॉर्ड में सिंचित है। जिन गाँव की हमने नहर की मांग की है वो भी सरकार के रिकॉर्ड में जो है सिंचित है लेकिन अभी एक बूंद वहाँ पानी नहीं मिला, तो नहर को जो है पूरा की जाए। ऐसे 9 सूत्रीय मांग को लेकर के हम लोग जो है 2 अक्टूबर से शुरू किए हैं और आज जिला के जिलाध्यक्ष जी को महामहिम राज्यपाल के नाम से जो है ज्ञापन देंगे। पूर्ण रूपेण गांधी जी के विचारधारा पे ये आंदोलन है। बहुत शांतिप्रिय ढंग से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पूरे सत्याग्रही साथी विगत 3 दिनों से जो है पैदल चल के इस ज्ञापन को देने के लिए यहाँ तक जो है पहुँचे हैं। प्रशासन ने यहाँ पे जो तैयारी की है उसके आपको क्या कहना है कि आपने आप कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन? देखिए वो प्रशासन का अपना काम है, हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। उन्होंने क्या तैयारी की है, हमारी जो तैयारी है हमने स्पष्ट कहा कि हम जो है ये सत्याग्रह के माध्यम से, गांधी जी की विचारधारा के माध्यम से इस आंदोलन को कर रहे हैं। तो ऐसी कोई हम कदम नहीं उठाएंगे जिसमें गांधी जी की विचारधारा को ठेस पहुँचे या गांधी जी के विचारधारा के विपरीत। मांग पूरी नहीं होगी तो फिर आगे? देखिए मांग पूरी नहीं होगी तो फिर आगे विचार करके निरंतर इस लड़ाई को लड़ेंगे। चोपड़ा जी नहीं, देखिए जनता की लड़ाई है और जहाँ जनता की लड़ाई होगी हम साथ होंगे। भाई केशव चंद्रा हमारे साथी हैं, उनके निमंत्रण पर हम लोग यहाँ आए हैं, उनको पूरा समर्थन है कि वो जो क्षेत्र की समस्या को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपनी लड़ाई नहीं, वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को ये सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि जनता की जो समस्या है उसको दूर करे। सरकार के लिए रायपुर में विकास के लिए बहुत पैसा है, वहाँ स्काई वॉक बन सकता है, नई राजधानी जहाँ लोग रहते नहीं हैं वहाँ अरबों की सड़कें बन सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं छोटे गाँव में? और जो हमारे अंदरूनी भाग हैं छत्तीसगढ़ के गाँव के इलाके हैं, छोटे इलाके हैं, वहाँ सरकार पैसा क्यों नहीं लगाती, वहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं करती? क्या रायपुर ही एक ऐसी जगह है या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं चुनिंदा जहाँ विकास होगा उसी को हम छत्तीसगढ़ का विकास मानेंगे? गांव का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा, किसान का विकास होगा, तब छत्तीसगढ़ का विकास होगा। इसलिए सरकार को रायपुर राजधानी से निकल करके गाँव की तरफ देखना चाहिए और ये आंदोलन गाँव का आंदोलन है, अहिंसात्मक आंदोलन है, इसलिए हम उसको समर्थन दे रहे हैं। और भाई केशव चंद्रा और उनके साथियों को हमारा पूरा समर्थन है कि उनके मांगे सरकार पूरी करे, नहीं तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। ये आंदोलन राष्ट्रध्वज और महात्मा गांधी जी को साथ लेकर अहिंसात्मक रूप से शांति के साथ किया जा रहा है और ये 10,000 लोगों का साक्षर का ताकत है हमारे पास।
इसमें वो 10,000 उस क्षेत्र के प्रभावित लोगों का हस्ताक्षर है जो कि महामहिम राज्यपाल के लिए ये प्रेषित किया जा रहा है। मतलब मान लीजिए इस सरकार को कहते कहते तो थक गए, विभिन्न प्रकार से आंदोलन हुआ, परंतु अब लग रहा है कि गांधी जी पदयात्रा के समापन के अवसर पर हम भी हम सब के बीच उपस्थित विधायक भाई केशव चंद्रा जी, संयोजक चंद्रा जी, उपस्थित समस्त माता बहने और बंधुगण, एक तो बड़ा अच्छा आंदोलन एक नई रोशनी के साथ आप लोगों ने एक नया आंदोलन चालू किया कि महात्मा गांधी के रास्ते पे चलते हुए हम अपनी मांगों को लेकर के 50 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे, 3 दिन का समय देंगे। ये एक बहुत बड़ा संकल्प लेकर के आप लोग यहां आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस संकल्प के साथ, जिस उद्देश्य के साथ आप लोग यहां आए हैं, वो आपका संकल्प, वो आपका उद्देश्य पूरा होगा, इसकी मैं उम्मीद आप सबसे और सरकार से करता हूं। देखते हैं कि वहां अरबों खरबों रुपए लगा करके सरकार जो है वहां के लोगों को सुविधाएं दे रही है। हमारे यहाँ जमीन में सड़क नहीं है, रायपुर राजधानी में आसमान में सड़क बनाई जा रही है। हमारे यहाँ जमीन में चलने लायक व्यवस्था नहीं है, सरकार नई राजधानी जहां लोग रहते नहीं है वहां खरबों रुपए खर्च करके सड़क बना रहे। ये सरकार की प्राथमिकता क्या है ये तय होनी चाहिए। जैसे भाई केशव चंद्रा और आप लोगों ने बताया कि तहसील की घोषणा हुए आज 17-18 साल हो गए और वहां तहसील का कार्य चालू नहीं हो रहा, ये जनता के साथ मजाक है। सड़कों की घोषणा बजट में हो चुकी है लेकिन सड़कें बन नहीं रही है, ये मजाक है। अस्पताल का भवन बन गया है लेकिन अस्पताल चालू नहीं हो रहा है, घोषणा हो गई है, ये मजाक जो सरकार कर रही है गांव के लोगों के साथ, ये सरकार का मजाक बंद होना चाहिए। और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक जो है इस छत्तीसगढ़ का विकास, इस देश का विकास नहीं हो सकता। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं दोस्तों कि गांव वाला भी सरकार बनाने में एक वोट देता है और रायपुर वाला भी एक वोट देता है, तो फिर मानवता के पुजारी भारत नौपन अहिंसा आंदोलन के माध्यम से आजाद कराने वाला देश के राष्ट्रपिता बापू गांधी जी ने मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करा था और आज हमारे सत्याग्रह पद यात्रा में केवल एक दिन के अनुरोध में छत्तीसगढ़ के पूर्ण नशाबंदी के प्रणेता और शराबबंदी के आंदोलन जन जन तक पहुंचाने वाला महासमुंद के निर्दलीय विधायक परम आदरणीय डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी के पूरा पद यात्रा के संयोजक और संघर्ष के प्रतिमूर्ति आदरणीय रमेश भैया जी और पद यात्रा में सम्मिलित सब सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गांव के गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति के रूप में मोर महतारी और बहिनी मन, हमें देश के परिवर्तन के वाहक नौजवान युवा भाई बन आप सब लोग और सादा प्रणाम है, नमन है। आप सब जाना था कि 9 सूत्रीय मांग लेकर के 2 अक्टूबर से भोटिया से पद यात्रा निकाले हैं और आज 4 अक्टूबर के जहांगीर पहुंचे हैं। अभी कुछ ही मिनट बाद 20 प्रतिनिधि मंडल के हमारे अनुमति मिले, 20 प्रतिनिधि मंडल हमारे संयोजक की है जो एक किनारे करे हैं 20 जन जाते, बाकी आप सबके प्रतिनिधित्व कर दो काबर की सब जन जाए की अनुमति नहीं है, तो आप सबके बात ला
गांधीवादी विचारधारा से हम महामहिम राज्यपाल के नाम से जिला के जिला अध्यक्ष लग रहे जो 10,000 हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन है वह सौंपे गए। जब तक हम जागे आप सब पंचमर निवेदन है सड़क के किनारे छोड़कर के किनारे बजा और गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम के साथ आप सब मन प्रार्थना करिएगा कि गांधी जी हर ये सरकार ला प्रशासन ला सदबुद्धि देवा और जनता के हित क्षेत्र के विकास की जो बात है उन्हें पूरा कराए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे तू सब सत्याग्रह पदयात्री मल्ला जब निस्वार्थ भावना से आप सब मन क्षेत्र के विकास पर अपन आप को समर्पित करके चले हवा अफ्रीका के आप सब हमार सादा प्रणाम है नमन है और पूरा जिला के तरफ से पुनः एक बार आदरणीय डॉक्टर विमल चोपड़ा जी विधायक महासमुंद और डॉक्टर साहब के साथ आए हुए सम्मानित तिवारी जिला हृदय से धन्यवाद करो थे। हम आपके आभारी हम कि आप दीन दुखी जनता किसान मजदूर मन के आवाज ल संग्रह और कर लड़ाई लड़े पर आप महासमुंद से लेकर के जहांगीर चांपा तक आए हैं कल हम आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करत हन। यही सब शब्द के साथ आप सब ज्यादा प्रणाम है नमन है साथी एक साइड से छोड़ देंगे और एक साइड जो है सब आप बहन जी आप व्यवस्था बना देंगे और ये बंद करके आपके नेतृत्व में रघुपति राघव यात्रा सत्याग्रह पद यात्रा कोई नारेबाजी नहीं कोई ये नहीं तो ये सब कुछ आप मन के संघर्ष के